हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मैं अनरेडी हो रही थी, नाइट टाइम स्किन केयर करने वाली थी, तो इसलिए सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आईलैश को निकाल लिया है, फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर जॉनसन्स का जो बेबी वाइप्स होता है, वही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो ये मैंने यूज़ किया है, तो ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा मेकअप मैंने निकाल लिया था, फिर मैं मैसलर वाटर से रिमूव करूँगी पूरे मेकअप को। मैसलर वाटर जो ऑयल बेस में जो आता है वही है, ये बहुत अच्छा एक मैसलर वाटर है। तो मैं आज इससे ही मेकअप रिमूव करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ये मेकअप मेरे फेस पर था, तो अच्छे से निकालना वो भी बहुत ज़रूरत है। तो अच्छे से मैं लिपस्टिक एंड सब कुछ मैं अच्छे से निकाल लूँगी, आई शेडो पूरा फाउंडेशन का जो बेस है। मेकअप रिमूव करके सोना बहुत ही ज़रूरत है स्किन के लिए, स्किन बहुत ही सेंसिटिव एक चीज़ है, तो उसको हल्के रखना ही अच्छा होता है। तो इसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी। तो फेस वॉश मैं रात पर ज़्यादातर पतंजलि का एक फ़ेस वॉश आता है वो मैं यूज़ करती हूँ, क्लीन एंड क्लियर का भी करती हूँ। तो तब मेरे पास ये था जो नायका का फेस वॉश है, मैं ये शावर लेने के टाइम यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो हाथ पर हाथ के सामने है तो वही यूज़ किया जाए, तो इससे मैंने अच्छे से फ़ेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करके मैं फेस ड्राई कर चुकी हूँ, इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी टोनर। ये है प्लम का टोनर, ये ठीक ठाक है मेरे स्किन टोन पर, ये स्किन टोन पर नहीं, स्किन पर ये ज़्यादातर सूट नहीं करता था पहले, बट अब कर रहा है, क्योंकि इसका जो फेस पैक है वो मुझे एकदम ही सूट नहीं करता है, पूरा डब्बा ही मेरा बेकार में गया था। तो अच्छे से टोनिंग कर लिया है मैंने, गले ईयर्स सब जगह पर करना ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ मामाअर्थ का स्लीपिंग मास्क, ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, मैं काफ़ी दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ नाइट टाइम के समय। तो ये एक मैं कैसा करती हूँ कि मैंने एक थिक लेयर अपने फेस पर इसको अप्लाई करती हूँ, हल्के हाथों से अप्लाई करती हूँ पूरे फेस पर, ये बहुत ही कूल सा एक इफ़ेक्ट देता है। तो अच्छे से एक लेयर मैं दे रही हूँ, तो आप चाहे तो आप मॉइस्चराइजर के जैसे भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा एक फेस मास्क है, फेस क्रीम है, जो भी आप बोलो, जेल है। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एरोमा मैजिक का आई जेल, ये आई जेल मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, बट फिर भी मेरे डार्क सर्कल है तो वो तो रहेंगे ही, बट ये जब मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना नहीं होता है, तो जब भी मैं यूज़ करती हूँ थोड़ा सा डिफरेंस तो दिखता है आईज़ पर। इसको हल्के हाथों से मसाज करना है, फिंगर से करिएगा। फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ विश केयर का एक आईब्रो एंड आईलैश ऑयल, जिससे आईब्रो एंड आईलैश ग्रो होता है। तो मेरा दोनों आईब्रो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं ये कभी कभी यूज़ करती हूँ। पहले मैं डेली बेसिस पर यूज़ करती थी नाइट टाइम के समय पर, बट अभी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, इससे अच्छा सा एक ग्रो आता है। बट आईलैश का उतना मुझे इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, बट आईब्रो का होता है। इसके लिए एक स्पूली भी दिया हुआ है, पर मैंने आज हाथों से ही यूज़ किया है। इसके बाद मैं ऑल टाइम फेवरेट, जो मैं कुछ करूँ या ना करूँ मैं लिप बाम ज़रूर लगा लेती हूँ, तो ये है बायोटिक का
लिप बाम जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो ये था मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में।